दोनों ध्यान दो, हमने एलिफेंट बनाना सिखाएंगे, ठीक है? शुरुआत कैसे करेंगे? वहां से काम होता ना, ठीक है? पहले मेरे को देखो, तो सिर होता है ऐसा, सिर से ऐसी हम लोग उसका सूंड भी बना देंगे, ट्रंक, ठीक है? क्या देखते हो बच्चे, पहले यहाँ देखते हैं, फिर इसका सूंड का तो पूरा करना है ना, ठीक है? हाँ, डांस होता है एलिफेंट का, बॉस, इसका बॉडी बनाएंगे, फिर क्लास टू बदमाशी है, ऐसा हो गया? सिर बनाना नहीं आता, ये तो ऐसा से ऐसे ही करना है, ठीक है? आप लोगों को भी प्रैक्टिस कराएगी, फिर इसके बाद ऐसा, कितने पाँव होते हैं? कितने होते हैं? समझ आया? क्या बाकी है? पूंछ भी बाकी है ना, पूंछ तो बना दे, अभी आंख बनाना है। ओ देखो देखो कैसा लगा? अच्छा। मजा आया? सबसे पहले हम क्या बनाएं? काम, ठीक है? ऐसा त्रि बनाते ना, त्रि बना के इसको थोड़ा बड़ा कर देना, सी समझ आया? ठीक है, अभी इसको क्या बोलते हैं? पांव। क्या बोलते हैं? पांव। इसको क्या बोलते हैं? सूंड। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? दांत। दांत, हाथी का दांत, लंबे लंबे दांत होते हैं ना? इसको क्या बोलते हैं? आंख। ये क्या है? पूंछ। थोड़ा सा ये क्या है? पूंछ। आरम्भ हाथी चलम चलम में और क्या पढ़े? हौदा, पीलवान पढ़े ना? हौदा किसको बोलते हैं? पीलवान किसको बोलते हैं? पीलवान किसको बोलते हैं? हाथी का जो ऊपर बैठते ना, एक आदमी बैठता ना, उसको बोलते हैं पीलवान। पीलवान का हाथ में क्या रहता? ना लोहा का ना एक हथियार रहता है, उसका नाम है अंकुश। क्या नाम है उसका? अंकुश। हम लोग स्कूल में भी अंकुश है ना? हाँ, एक छोटा सा रहता ना, बल्लम भी बोलते ना लोकल भाषा में, है? हाँ, उसको बोलते अंकुश। जो इसको कंट्रोल करने के लिए जब ज्यादा मस्ती करते इधर उधर भाग जाते रहते, तो ये क्या करेगा? उसको सिर में से मारे से, तब सीधा सीधा ही जाएगा, ठीक है? और इसको ये जो हाथी ऊपर जो बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? पीलवान। 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 और ये जो है ना, एक गद्दी का जैसे बना होता है ना हाथी के ऊपर बैठने के लिए, पीलवान को उसको बोलते हैं हौदा। हौदा। क्या बोलते हैं? हौदा। अभी बताओ, ये क्या है? दांत। दांत तो सफेद कर देती तुम लोग, अच्छे से पता चल जाए। दांत। ये क्या है? दांत। ये क्या है? पूंछ। इनका नाम क्या होता है? नहीं, आदमी का नाम क्या है? आदमी का नाम पीलवान है। ये जो एक लोहा का जो पकड़े रहता है ना, उसका नाम है अंकुश। एक लोहा का ही हथियार है, उसको बोलते हैं अंकुश। और ये जो एक बिस्तर जैसा बना होता है, ऊपर बैठने के लिए गद्दा जैसा, उसको क्या बोलते हैं? हौदा। अभी आप लोग एक विषय का होमवर्क याद रखिए, बताओ मेरे को क्या क्या है। डोंट टॉक क्लास टू, बता आप लोग, बताओ मुझे अभी। वेरी गुड।
पढ़ो स्पेलिंग पढ़ो। पा में बड़ी की मात्रा पी, वेरी गुड। पीलवान, अंकुश, वेरी गुड। हौदा, वेरी गुड। हाँ, जहां तक आंख पहुंचते वहीं तक बताओ। और आंख तो पता है ना, सूंड का मैं, सूंड सूंड, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। समझ आया? खुद बना सकते हैं भी?